बिना प्रेम बिना भक्ति ज्ञान भगवान को पकड़ने के लिए तो वो देखेगा अनुभव करेगा समझेगा, लेकिन पकड़ में तो भक्ति के बिना नहीं आएगा। भक्ति ही उसको पकड़ सकती है। भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए पूरे वृंदावन की रस्सियां लाई गई। यशोदा के घर की रस्सी तो खत्म हो गई लेकिन वो बंधे नहीं, थोड़ा अंतर रहा ही, बस लगा लगा करके दूसरी रस्सी लाकर जोड़ कर लगाए, और जब गठन लगाए तो रस्सी छोटी हो जाती, पूरी नहीं होती, तो पूरे वृंदावन से रस्सी आई लेकिन कृष्ण नहीं बंधे। तो किसी ने कहा कि अब बरसाना से रस्सी बंधाई जाए, तो लोग गए बरसाना श्री राधा जी के नगर गांव, और वहां जितने घर थे इन सभी घरों से रस्सी लाई गई और गोपाल को बांधने की चेष्टा की, तो भी वो बंधन में नहीं आया। तब ये गोपी ने कहा कि ये बंधेगा नहीं जब तक राधा जी के घर से रस्सी नहीं आएगी। उसके बाद श्री राधा जी के घर से रस्सी आई, वो रस्सी जब जोड़ी तब कृष्ण बंधे। रामायण में सीता जी की चुनरी के साथ ठाकुर बंधे, और श्रीमद कृष्ण चरित्र में राधा के घर से जब रस्सी आई, क्योंकि वो भक्ति की रस्सी के बिना बंधन में आता ही नहीं। इसलिए बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। तो भक्ति के बंधन में वो आता है, इसलिए कौशल्या माँ को कहना पड़ा महाराजा को कि देवी आप जाइए आप उसको, और कौशल्या भक्ति स्वरूपा है, और कौशल्या जब बुलाने गई तो भगवान का बर्तन जरा मधुर हो गया, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, और माँ एकदम दौड़ी है और बलात्। लेकिन ध्यान देना, कौशल्या भी कौशल्या बनकर पकड़ने गई तब तक नहीं पकड़ में आए, क्योंकि कौशल्या भी आखिर व्यक्तिवाचक है, और जहां व्यक्ति का भाव आता है वहां सूक्ष्म अभिमान आ ही जाता है। तो कौशल्या जब बुलाने गई तो भी भगवान पैरों को ठुमकाते हुए दूर चले गए, लेकिन वही कौशल्या मां जब जननी बन गई, प्रसूता का भाव पैदा हो गया, जनेता का भाव उठा, तब भगवान पकड़ में आए और गोस्वामी जी को लिख देना पड़ा। निगमने ती शिव अंतन पावा, निगमने ती शिव ताही धरे जननी हठि धामा, ताही धरे जननी हठि धामा, निगमने ती शिव अंतन पावा। माँ कौशल्या ने राघव को पकड़ लिया, क्योंकि वो भक्ति स्वरूपा है, प्रसूता का भाव है, माँ दौड़ी है, केवल खड़ी नहीं दौड़ी है, गति है उसमें, अथवा तो माँ को माँ के हाथ में राम इसीलिए आ गए क्योंकि माँ को भोजन करवाना है, करना नहीं, दूसरों को देना है, खुद को कोई इच्छा नहीं है, इसलिए माँ के हाथ में राघव पकड़े गए, दुसरित शरीर है, महाराजा की गोद में राम को बिठाया, भक्ति देवी ने ज्ञान की गोद में ब्रह्म को बिठा दिया। महाराजा भोजन कर रहे हैं, भगवान चपल चित से भोजन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक महाराजा का ध्यान भोजन करते करते राम पर ज्यादा रहा तब तक तो ठाकुर गोद में रहे, लेकिन भोजन के स्वाद में जब ध्यान ज्यादा एकाग्र हो गया तो भाजी चले किल कथ प्रभु, भगवान गोदी से दौड़ पड़े। बस हमारा ब्रह्मानंद, हमारा परमानंद हमने संसार की वस्तु को प्रधानता देकर ही गवाया है, बाकी तो हर एक के पास। इसलिए गोस्वामी जी हमारी दया खाते हैं। अस प्रभु हृदय, अस प्रभु हृदय, अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
परमात्मा की ऐसी मधुर लीला श्री अवध धाम में चल रही है। उसके बाद सब संस्कार क्रमशः होते चले और अब तो गुरुदेव आए। माता पिता की विनती पर राघव और ज्ञानी चारों भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इन जनेऊ गुरु पितु माता। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद गुरु के पास अभ्यास के लिए जाना पड़े। सम्राट के संतान हैं, फिर भी गुरु परंपरा कैसी निभाई है। आश्रम में पढ़ने गए हैं, क्या पढ़ना उसको, जिसकी सांस में चार वेद हैं उसको पढ़ना आश्चर्य लगता है। लेकिन जगत को गुरु परंपरा का निर्वाह बताया है। भगवान गुरुद्वार अभ्यास के लिए गए हैं, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या पाई, जाकी सहज सांस श्रुतिचारी। ऐसे परमात्मा पढ़ रहे हैं, बाबा जी कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है। सब विद्या संपन्न करके भगवान विद्यावंत बने। गुरुदेव के आशीर्वाद पाकर सभी विद्या पाई, और विद्या पाने के बाद वो केवल मुख पाठ में नहीं रही विद्या, अपने जीवन में उतारी। रामायण में लिखा है जब सुबह होती है तो बाबा जी कहते हैं विद्या का अनुसरण, प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाव मातृदेवो भव त्रिदेवो भव आचार्य देवो भव। वो केवल स्वाध्याय में नहीं रहा, जीवन में उतर आया। रात काल उठी मेरा गुनाथा मातु पिता गुरु नाव गुनाथा प्रेरणादायी दिव्य लीला चल रही है। अब तो भगवान माता पिता को मदद करने लगे, पिताजी के काम में भी वो मदद करने लगे। कभी कभी बंधु सखाओं के साथ वो मृगिया करने के लिए जाते हैं और पावन मृग को देख देख कर वो मारते हैं और पिताजी को भी दिखाते हैं। ये प्रसंग की कई लोग आलोचना करते हैं, और उस पर जिसको रामचरितमानस और गोस्वामी जी के प्रति न जाने क्यों पूर्वग्रह है, ऐसे लोग ऐसे प्रसंग को लेकर रामचरितमानस की आलोचना करना चुकते नहीं कि भगवान शिकार करते हैं, ये करते हैं। लेकिन कम से कम ठीक से मानस को देखिए कि शिकार करना होता तो जितने मृग मिलते हैं सबको मारते हैं, लेकिन यहाँ तो देख देख कर पावन मृग को ही मारा जाता है। क्योंकि मृग या तो वेद के मंत्र बनकर आए, या तो ऋषि मुनि बनकर आए हैं, या तो कोई शापित हो वो ही मृग के रूप में आए। तो भगवान की ये लीला मारने की नहीं थी, तारने की थी। पूरे रामचरितमानस में हमारे ठाकुर ने किसी को मारा ही नहीं, सबको तारा है। भगवान मारते नहीं, जिसको मारा है उसको अपने चरण में बुला लिया है, जिसको भी प्रहार किया उसको मुक्ति प्रदान कर दिए। मारे भगवान मारे तो फिर हम कहां जाएं? उसकी लीला मृत्यु की, वो मारने की लीला नहीं है, तारने की। उसकी पीठ पर तीर लग गया था भगवान, रक्त बह रहा था। भगवान ने मेढक को पूछा कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अचानक बस ऐसे ही ऐसे तीर मैंने कर दिया और तुम्हारी पीठ में लग गया, तो कम से कम तुम्हें चिल्लाना चाहिए, पुकारना चाहिए कि रहने दीजिए, अच्छा हुआ मैंने तुरंत ले लिया वरना मृत्यु हो सकती थी। तो मेढक वो कुछ बोला ही नहीं। भगवान बार बार पूछते हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हें अकारण मैंने वो जख्मी किया, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना तो चाहिए। फिर भी वो नहीं बोले। जानकी जी कहने लगी कि तुम बोलते क्यों नहीं? लखन जी ने कहा वो नहीं बोलेंगे, उसके पक्ष में मैं बोलूं। क्या? कि महाराज बात ऐसी है कि दुनिया शर मारे तो आपके सामने फरियाद की जाती है, लेकिन आप खुद शर मारो तो बेचारे कहां फरियाद करे। महाराज जगत यदि प्रहार करे तो तेरे द्वार आकर लोग सर टिकाते हैं, लेकिन आप ही प्रहार कर दोगे तो कौन
तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि प्रभु की लीला तारने की लीला है, मारने की है ही, जिसको भी। हाँ, रावण को मारा तो उसकी पत्नी बोली कि तुम हूं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय, मारा नहीं। आजन्म ते पर द्रोह हरत पाप तव तनु अयम, फिर भी तुम ही दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय। तो सुंदर ऐसी लीला कर रहे हैं, मुक्ति की ये लीला है ब्रह्म की, कौन समझ पाए, ऐसी लीला चल रही है। अब गोस्वामी जी प्रसंग को मोड़ देते हैं, परमात्मा के इस दिव्य चरित्रों की कथा संक्षेप में कहकर गोस्वामी जी प्रसंग को पलट करके विश्वामित्र जी की कथा लाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी की कथा में हम प्रवेश करें पहले आइए कुछ क्षणों के लिए हरि नाम कीर्तन करें, भाव और श्रद्धा के साथ हरि नाम कीर्तन। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, सब गाइए। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है, कई महात्मा लोग कहते हैं, लेकिन मैंने जब पहली बार राम कथा कही एक महात्मा के पास हमारे सौराष्ट्र में जूनागढ़ के जंगल में एक नदी के तट पर, पहली बार 9 दिन के लिए मैं राम कथा पर बोल रहा था, तो जंगल में हम भी रहते थे, वो महात्मा तो बड़े त्यागी थे, तो रात को हमारी कुटिया में आकर वार्तालाप चलता रामायण पर, कितने साल हो गई। तो एक दिन वो महात्मा मुझे कहने लगे कि देखो कथा में बीच में कीर्तन कराओ। हमने कहा कि विषय चल रहा हो उसमें कीर्तन डालने से विषयांतर हो जाएगा, धारा टूट जाएगी। बोले नहीं, कुछ भी हो कीर्तन आना ही चाहिए बीच में। तो उस वक्त हमारे दिल में ये बात मगज में उतरी नहीं, तो हमने बार बार प्रश्न कर दिया कि महाराज ऐसा क्यों आपके। बोले नहीं, कुछ भी हो बीच में कीर्तन कराओ। हमने कहा क्यों, तो उसने कहा कि कथा के प्रवाह के बीच में कीर्तन आए और सब कीर्तन करे कथा में, तो मन वचन कर्म से किए हुए पाप बाहर चले जाते, ऐसा उसने बताया था उस समय। लेकिन दिमाग में बात नहीं बैठी, तो पुनः तर्क कर दिया हमने कि कथा के बीच में कीर्तन कराए और सब कीर्तन करने लगे और सबके पाप निकल जाए, तो वो जाए कहां। तो उस महात्मा ने कहा कि कीर्तन न करे उसमें वो निकल कर दूसरों के पाप कहीं हम में ना आ जाए, इसलिए भी हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आवाज में तेजी आई ऐसा लगता है, क्योंकि भाई बिनु होए न प्रीति। नहीं नहीं, भाई से नहीं, भाव से पुकारो ठाकुर का, कथा का फल ही है हरि नाम। इसी महा रघु, ये 6 घंटे बोलना ही कथा नहीं है, राम नाम का सुमिरन है। जब तक वक्ता के हृदय में ये प्रतिष्ठा नहीं हो जाती कि हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम राम नाम का जप कर रहे हैं, तब कथा सफल होती। ये 6 घंटे बोलना आखिर राम नाम का ही जप है, इसलिए भाव से आप भी गाएं राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया में सब मिट जाता है, कबीर साहब कहते हैं शून्य मरे अजपा मरे अपन हद हूं मर जाए, लेकिन राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। इसलिए भाव से प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भाव से भीतर से हरि बोल। हे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरि बोल। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे बावसे। हे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए। हे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ताल से ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राधे
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि नाम के बिना कथा सफल नहीं हो सकती, हरि नाम ही कथा का फल है। मधुसूदन सरस्वती, एक परमहंस ने एक बार उसको काशी में पूछा कि सरस्वती जी, हाँ, आपको कोई प्रमाण पत्र देता है, सम्मान पत्र देता है, तो आपको खुशी होती है? मधुसूदन जी ने कहा हाँ। और कहीं शास्त्रार्थ में आप पराजित हो जाएं और कोई आलोचना करे तो जरा उदासी आ जाती है? बोले हाँ। तो परमहंस जी, परमहंस कक्षा के कोई संत उसको मिले, वो इतना कहकर चल देते हैं कि तो बीमारी चालू है, इतना कहकर चल दिए कि सम्मान पत्र से खुशी हो जाए और उससे नाराजगी हो जाए अपमान से, तो अभी बीमारी चालू है, भले ही कितने ही ग्रंथ आपने वो किए। तो ये बात घूमने लगी उसको। बाद में यात्रा पर निकलते हैं तो संत को मिले कि आप बताइए, आपने तो मुझे बीमार बना दिया, अब कोई समझ में करे क्या? बोले परमात्मा का नाम का खूब अनुष्ठान करो, ये सब लिखा ये सब किया लेकिन आनंद पाना है, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न पाए ऐसा करना है तो नाम का अनुष्ठान करे। बात मन में बैठ गई, कोई मंत्र ले लिया, कोई नाम जो लिया हो, बस उसका बहुत जप करने लगे वो और यात्रा में निकल पड़े। तो एक बार यात्रा में उसको एक स्वपच मिला, उसके जीवन में ऐसी कथा आई। तो स्वपच ने कहा कि महाराज, इतना जप किया फिर भी शांति नहीं मिलती ना। मधुसूदन सरस्वती हैरान हो गए कि स्वपच और मुझे ये जान गया। बोले आप कैसे जान गए? बोले बात मैं ठीक कह रहा हूं ना, आपको विश्राम नहीं ना? बोले नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? बोले मैंने एक भूत को साधा है। स्वपच ने कहा कि मैंने एक भूत की उपासना की है और मैं भूत के माध्यम से सबकी जान लेता हूं, तो मैंने जान लिया कि आप तकलीफ में हैं। तो कहा कि मुझे भूत का मंत्र दो, मैं भी साधू। तो उसने भूत का मंत्र दिया। क्या दिया हमको पता नहीं, वरना हम आपको भी बता देते, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं। तो भूत का मंत्र दिया है और उसका अनुष्ठान किया। तो 6 मास बीत गए लेकिन भूत भी नहीं आया। तो स्वपच के पास गए और कहा कि तुमने भूत का मंत्र दिया लेकिन भूत प्रसन्न नहीं हुआ। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे मंत्र के माध्यम से भूत को प्रसन्न होना ही चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। स्वपच ने अधिकार के साथ कहा। तो बोले नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आप। तुरंत इस स्वपच ने वही मंत्र की उपासना से भूत को प्रकट किया अकेले में और पूछा कि ये मधुसूदन सरस्वती जी वो कर रहे थे, तुम क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? बोले मंत्र के माध्यम से मुझे जाना तो चाहिए लेकिन मैं जा नहीं पाया। क्यों? कि उसने हरि नाम स्मरण इतना किया कि मैं उसके निकट नहीं जा सकता, क्योंकि हरि नाम का वो प्रभाव है, परमात्मा के मंत्र का ये प्रभाव था कि मैं उसके पास पहुंच नहीं पाता, वरना तो कई बार कोशिश की कि प्रकट हो जाऊं। और ये बात जब सुनी मधुसूदन सरस्वती जी ने, तब वो लौट गए और डूबे प्रभु नाम में। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, हरि नाम ही कलयुग का साधन है। हरि नाम जपे, बस बहुत नाम सुमिरन करे, बस यही एक उपाय है कलयुग में। और जो साधन कर सके उसको बंधन है जरूर करे, लेकिन कली में बस एक ही ये उपाय है। इसलिए पुनः एक बार याद दिलाते हम चले, तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती जाए।
कई लोग मिलते हैं, कहते हैं हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम भगवान में नहीं मानते, हम सोचते हैं कि तुम नहीं मानते लेकिन वो तुम्हें मानते हैं, उसका क्या संबंध? तो दोनों ओर से टूट सकता है, तुम तोड़ो लेकिन उसी ने तो बांध रखा है। और आज नहीं नाम लोगे तो कल लेना पड़ेगा, कल नहीं लोगे तो परसों लेना पड़ेगा, परसों नहीं तो साल के बाद लेना पड़ेगा, साल के बाद नहीं लो तो 5 साल के बाद लेना पड़ेगा, तब भी नहीं लोगे तो जब बीमार हो जाओगे तब लेना पड़ेगा, तब भी नहीं लोगे तो जब अस्पताल में जाओगे तब लेना पड़ेगा, और तब भी नहीं लोगे तो जब अंत आएगा तब लेना पड़ेगा, और अंत में तो मुश्किल है आना, और फिर भी नहीं लिया तो तुम्हारी अर्थी कंधे पर लेकर जो जाएगा वो लेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, बिना नाम निस्तार नहीं है। तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती आप कोई पूजा विधि में बैठे होंगे तो आपको पता है कि आचार्य देव जब संकल्प करवाते हैं तो हाथ में जल रखवा करके संकल्प के मंत्र बोलते हैं, तो अंगुलियों को दबा कर रखना पड़ता है कि संकल्प के मंत्र पूरे हो जाने से पहले ही वो पानी कहीं ढल न जाए अंगुलियों की तिरताड़ों से, तो ऐसो दबा कर रखना चाहिए, और वो मंत्र पूरा हुए तब तक वो पानी का संकल्प कर लेना चाहिए। देर करोगे तो अंगुलियों से पानी बह जाएगा। ये शरीर अंजलि है, आयुष्य जल है, नित टपक रहा है, और ये सब जल टपक जाए इसके पहले संकल्प कर लो। तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना मेरे मना मेरे मना प्रसंग में प्रवेश करें। विश्वामित्र जी की कथा आती है। विश्वामित्र जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो बड़े तपस्वी, बड़े पुरुषार्थी महापुरुष, उसके पुरुषार्थ की तीव्रता की कोई नाप नहीं ले सके, इतना बड़ा पुरुषार्थ इस महापुरुष का। लेकिन उसके दिल में एक भ्रांति, मन में एक ग्रंथि थी कि ब्रह्म को पाने के लिए ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बने बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी एक ग्रंथि विश्वामित्र के मानस में दृढ़ हो गई थी। इसी कारण वो थे क्षत्रिय, लेकिन ब्रह्म को पाने के लिए क्षत्रिय धर्म छोड़कर वो ब्राह्मण बने। कड़ी तपस्या के बाद वो ब्राह्मण की पंक्ति में पूजे गए और ब्रह्म को पाने के लिए ब्राह्मण बने। उसके मन में एक ग्रंथि कि ब्राह्मण को ही ब्रह्म मिले। विश्वामित्र ने ब्रह्म को वर्ण का विषय बना दिया, लेकिन परमात्मा ने उल्टा कर दिया। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्म को पाने के लिए ब्राह्मण बने तो परमात्मा क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए, क्षत्रिय के घर में आ गए, एक भ्रांति तोड़ डाली। और वो तोड़ेगा ही, क्योंकि खुद कहता है।
के शब्द हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अनबल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल शबरी के सामने स्वयं ठाकुर ने ये शब्द कहे। कह रघुपति सुनो धामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनो धामिनी मानहु कर भगति करनाता। मैं वर्ण का विषय नहीं हूं, जात पात उसमें मैं मरा वो नहीं करता। मैं तो केवल भक्ति के एक संबंध को कबूल करता हूं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हीटर है, फ्रीज है, पंखा है, वातानुकूल यंत्र है, आटा पीसने की चक्की है, सब कुछ ये पावर से चलने वाले यंत्र हो, और महीने या दो महीने कितना पावर खर्च किया तुमने वो देखने वाला जब कर्मचारी आता है तो क्या हर कमरे में जाता है कि फ्रिज कहाँ है, वातानुकूल यंत्र कहाँ है, हीटर कहाँ है, ये चक्की कहाँ है, चूल्हा कहाँ है? वो कुछ नहीं देखेगा, वो तो केवल मीटर को देखकर बिल बना देता है। वैसे परमात्मा हमारे कमरे कमरे में घूमते नहीं, वो तो हृदय के भक्ति का मीटर देखकर ही बिल बना देता है कि बस मैं एक ही शब्द परमा मान हूं एक भगति करनाता, तुम्हारी धन दौलत गुण चतुराय उसको मैं देखता ही नहीं, मैं केवल एक भक्ति के नाते को कबूल करता हूं। तो ईश्वर को पाने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, शस्त्र छोड़कर शास्त्र कबूल किए, और भगवान आए शस्त्रधारी के घर, तो एक भ्रांति समाज की परमात्मा ने तोड़ डाली कि मेरे लिए कोई वर्ण की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो प्रेम और भक्ति चाहिए। तो ये विश्वामित्र महाराज ब्राह्मण बनकर बैठे हैं, बड़ी तपस्या की है, लेकिन उसके यज्ञ में बाधा डाली जा रही है राक्षसों के द्वारा। तो एक दिन वो चिंतित तो होते हैं, विश्वामित्र का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है और ज्ञानी है। और सवाल यह उठता है कि ज्ञानी को चिंता नहीं होनी चाहिए, ज्ञान होने के बाद चिंता रहे तो जरा समझ में बैठने वाली बात नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद चिंता कैसी? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी को चिंता हुई, इसीलिए तुलसीदास जी ने शब्द पलट दिया, गांधी तनया मन। महामुनि को चिंता नहीं हुई, ज्ञानी को चिंता नहीं हुई, गाधी राजा के बेटे को चिंता हुई। संसार का रिश्ता बताया, वरना कोई तपस्वी साधु को वो फला का बेटा ऐसा कहा जाता है? नहीं कहा जाता, मर्यादा मनाकर वो फला का शिष्य है, फला आश्रम का दीक्षित है। लेकिन कोई त्यागी आदमी को कोई कहे कि ये तो फला का बेटा है, ये कहना मर्यादा के अनुकूल नहीं। लेकिन ज्ञानी को चिंता नहीं होनी चाहिए, और विश्वामित्र जी को चिंता हो रही है, इसलिए कहा कि वो महामुनि और ज्ञानी की चिंता नहीं, वो तो गांधी तनय की चिंता, इसलिए शब्द पलट देते हैं महाराज जी। गांधी तनाया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर गिन नीति चर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही बितीन सुबह आश्रम जाने। आश्रम
विश्वामित्र जी की कथा तुलसीदास जी लाते हैं, यह सब चरित कहा में गाए, आगल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामन ज्ञानी, बसई विपिन सुबह आश्रम जानी, तहां जप जोग यज्ञ मन करही, अति मारी च स्वबाहु डरही। तो विश्वामित्र जी चिंतित हैं कि भगवान के बिना ये राक्षस मरेंगे नहीं। विश्वामित्र जी के पास शस्त्र थे, लेकिन शस्त्र छोड़ चुके थे, शास्त्र ग्रह चुके थे, तो सोचा कि शस्त्र लेकर मैं शायद राक्षसों को मार दूं, तो एक तो जिस धर्म में मैं हूं उसके वो अनुकूल नहीं, दूसरा मारने के लिए गुस्सा करना पड़ेगा, और यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ में सत्कर्म में क्रोध निषेध है, तो यज्ञ का फल नहीं रहेगा, तीसरा यदि मैं मार दूं राक्षसों को तो समस्या का हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं मार सकूंगा तार तो नहीं सकूंगा। अब तो विश्व को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो मारे और तारे। तो विश्वामित्र जी चिंतित हैं। एक दिन वो ध्यान में बैठे हैं, तो उसने देखा ध्यान में कि अयोध्या में जिसका जन्म हुआ है वो ब्रह्म है। यज्ञ को वैसा रख करके विश्वामित्र महाराज अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में मनोरथ कर किए जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, धन्य है दशरथ की गृहस्थाएं हमारी विरक्ताएं से ऊंची हैं, कि हम परमात्मा को पिता कहकर पुकारते हैं फिर भी वो नहीं आया, और गृहस्थ के घर बेटा बनकर गया। बस मैं दर्शन करूंगा, भगवान यदि होंगे तो राक्षसों को मारेंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। बस ऐसे मनोरथ करते करते विश्वामित्र जी सरजू तट पहुंच गए। पवित्र जल में स्नान करके भूप दरबार में पहुंचते हैं। महाराज दशरथ जी को समाचार मिला कि कौशिक महामुनि पधारे हैं। दशरथ जी दौड़ पड़े हैं। इस देश में साधु संतों का कितना सम्मान रहा है, त्याग किए, त्याग का सम्मान है, वैराग का सम्मान था, वो विद्या और परमात्मा की ब्रह्म विद्या का सम्मान था। चरणों में गिर पड़े विश्वामित्र जी को। दशरथ जी ने कहा, बाप जी आज आपने हमको धन्य बना दिया। एक बात कहूँ प्रभु? बोले, क्या? आप पधारे वो हमारे सुकृत का परिणाम नहीं है, हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का ये फल है। और बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे आंगन कोई संत बिना बुलाए आए तो समझना भाग्य का उदय होने वाला है, लेकिन संत पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संत। पुण्य पुंज बिनु नहीं प्राप्त होते वो, और अचानक आप जबरदस्ती पकड़ कर ले जाओ वो तो ठीक है, अचानक आ जाए सेवक सदन स्वामी आगवनु तो मंगल मूल अमंगल दबनु। विश्वामित्र का बड़ा सम्मान किया गया, भवन में ले आए, वशिष्ठ आदि सब मिले हैं, और रानियों ने प्रणाम किया, चारों भाइयों ने प्रणाम किया। राम को देखकर मुनिराज कुछ समय के लिए रुक गए। ओ, ध्यान में जो दिखाई दिया था ये यही है, आंखें थम गई। इतने में दशरथ जी ने राम जी को कहा, राघव प्रणाम करके बैठ जाओ। राम जी बाबा को प्रणाम करके बैठ गए, तो विश्वामित्र जी को लगा कि ना 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 ना, इसमें कुछ ब्रह्म जैसा नहीं लगता, ये तो दशरथ जी कहता है सो करता है, बड़ी उलझन में डाले हुए हैं महाराज को। पूजा की, बाबा को भोजन करवाया, विश्राम करवाया, ये पूरी कैसी नियमावली बताई है। कोई संत घर आए तो उसका स्वागत, उसकी पूजा, उसको भोजन, उसको विश्राम, ये सब कराने के बाद दशरथ जी ने कहा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, हम आपकी क्या सेवा करें? साधु संत कोई द्वार पर आए तो ऐसे नियम बताए। आए और सीधा हम पूछने लगे क्यों, तो दूसरी बार कोई भूल नहीं करेगा उसका सम्मान, पूजा। संतों की एक महिमा होती है, कोई साधु संत मिले, आदर न दे पाओ तो चिंता नहीं, लेकिन कभी अपमान मत करना, न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। रामायण में कड़ी सूचना है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाइन काउ, जो अपराध भगत कर करही तो राम रोष पावक सोचर। संत मिल जाए तो मेरे भाई बहन काम बन जाए, लेकिन बहुत कठिन है। मिले कोई
ऐसा संत फकीर मिले कोई, ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के पीर, पहुंचा दे भव दरिया के पीर, पहुंचा दे भव दरिया के पीर, पहुंचा दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, लेकिन हद अनहद दोनों चले उनका नाम फकीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई फिकर सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, लेकिन फिकर की फाकी करें उनका नाम फकीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले सब काज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के। कोई विरक्त संत, कोई त्यागी महापुरुष द्वार पर आ जाए तो समझना और ध्यान देना, तुम्हारे घर कोई सत्कर्म चल रहा है, कोई पूजा है, कोई अनुष्ठान है, कोई यज्ञ जाग है, और उसी वक्त कोई पहुंचा हुआ संत तुम्हारे द्वार अचानक आए तो वो व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे सत्कर्म का साक्षात फल है। बलि के यज्ञ में जब वामन पधारे तो बलि को लगा कि मेरा यज्ञ का साक्षात परिणाम इस बटु ब्रह्मचारी के रूप में मुझे मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई संत आ जाए तो ऐसे उसको वो करे, यदि न कर पाए तो कम से कम अपमान न करे, भेख को आदर दे। साधु समाज से भारत गौरव ले रहा है, अद्भुत है गौरव साधु संतों का। विश्वामित्र को करबद्ध होकर महाराज दशरथ जी पूछते हैं, आपका आगमन क्यों हुआ, हम आपकी क्या सेवा करें बाबा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन देखो, इस दुनिया में बिना कारण कोई किसी के पास नहीं जाता, मैं ये काम लेकर आया हूं। बोले क्या? असुर समूह सता वही मोही,
ज्ञानी की चिंता देखिए, असुर सता रहे हैं और ज्ञानियों को भीतरी असुर परेशान कर लेते हैं और जीवन यज्ञ को सफल नहीं होने देते। असुर मुझे परेशान कर रहे हैं। दशरथ जी का सर झुक गया, क्योंकि ये चौपाई महाराजा के लिए शर्मप्रद थी, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं याचना आए नृपतो ही, मैं तुमसे याचना करने आया। यानी विश्वामित्र का गर्भित इशारा यह था कि आप जैसे सम्राट का साम्राज्य हो और तुम कभी अयोध्या छोड़कर हमारे आश्रम में आकर पूछो भी नहीं कि ऋषियों की हालत क्या है, और हमारा स्वाध्याय जब तब छोड़कर हमें आपके घर भीख मांगना पड़े। समाज कल्याण के लिए जो साधु संत तपस्या करें उसको आपके पास आना पड़े। मैं याचना करने के लिए आया हूं, वरना ये याचना शब्द विश्वामित्र जी के चरित्र के साथ सुसंगत नहीं है। विश्वामित्र याचना करें ऐसा महापुरुष नहीं है, वो पुरुषार्थी महापुरुष है। याचना शब्द मैंने आगे भी चर्चा की कि भारत का ऋषि याचना करता ही नहीं, देता। सखी सबको देता है, सखावत सबके नाम है। स्वामी राम तीर्थ कहते कि क्यों मांगे, हम अपना राशन अपने प्रारब्ध में लेकर आए हैं। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी, खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी, नया मंजर नया बिस्तर नया दाना नया पानी। कहीं भी जाओ, नया मंजर नया बिस्तर नया दाना नया पानी, क्योंकि ठाकुर सबकी व्यवस्था करता है। गजेंद्र गदा है सभी पर फिदा है, गधे को भी खिलाता है और गजेंद्र को भी खिलाता है। शेर संसार के क्या, शेर जो है सिंह संसार में कौन काम में आता है सिंह, ठीक है एक एक शूरवीर प्राणी है लेकिन उसका उपयोग तो कुछ हो नहीं सकता, उस पर सवारी नहीं, ठीक है सर्कस में काम आता है। फिर भी शेर को समय आने पर सामने से उसका खुराक मिल जाता है। अजगर करेन चाकरी पंछी करेन काम, दास मलू का यू कहे सबका दाता राम। सबको समय समय पर उसका राशन मिल जाता है, मांगे क्यों। जब से मांगना शुरू कर दिया है लोगों ने, तब से तेजस्विता एकदम कम हो गई। मांगो मत, बस लोग मांगते, सब मांगते रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा ना, सब जाति कुजाति भय मांगता, कलयुग का प्रभाव है, सब मांगते हैं, जहां देखो बस मांगते रहते। एक अंधे ने फुटपाथ पर एक बोर्ड लगवाया और चादर बिछा कर बैठा है और बोर्ड में लिखा है अंधे को मदद करो, तो कोई भी लोग आता तो 5 पैसा 10 पैसा रुपया डालता और वो ले लेता। एक दिन एक आदमी को अंधे अंध आदमी पर ज्यादा रुचि थी, तो एक प्रोफेसर था, उसने एक नगद रुपया डाला उसकी चादर में, तो वो रुपया चक्र की तरफ पहिए की तरफ घूमता घूमता रास्ते में चला गया, तो वो जो अंधा बैठा था वो उठकर ले आया। अब कौन अंधा, जो बैठा था अंधे को मदद करो, उसने पूरा देखा कि रुपया वहां गया और उठकर ले आया। प्रोफेसर का मगज गया कि दुनिया को फंसाए जा रहे हो, धोखा देते हो, लिखा है अंधे को मदद करो और तुम तो देखते हो। तो उसने कहा मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तो यहां पार्ट टाइम हूं, तो यहां जो कायम बैठता है वो तो पिक्चर देखने गया है। सब जाति कुजाति भय मांगता, यहां सब मांग रहे हैं, जहां भी देखो सब मांगते हैं। इसलिए एक बार हम पुनः याद दिला दे, एक बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से ने बुरो मूरख में हाथो, बुरो सुनती से बुरो भगनी घर भाई, बुरी नार तू लक्ष सास घर बुरो जमाई, बुरो पेप पंपालु है और बुरो शुरन में भागनो, पर गंग कहे अकबर सुनो एक सबसे बुरो, मांगनो एक सबसे बुरो, मांगनो एक सबसे बुरो, मांगनो एक बुरो प्रेम को पंथ बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेख बुरो मूरख में नाच, बुरो सुम की सेव बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नाद तू लक्ष सास घर बुरो, बुरो पैप पंपाल है
बुरो शुरन में भागनो कवि गंग कहे अकबर सुनो एक सबसे बुरो मांगनो एक सबसे बुरो मांगनो एक सबसे बुरो मांगनो एक सबसे बुरो मांगनो एक मांगे ना बस निष्ठा और विश्वास अपने आप आपके पास आपकी रुचि के अनुसार सब भेज देगा लेकिन मांग मांग करके हमने ईश्वर के अंश होते हुए हमारी प्रतिष्ठा को गंवा दी है। मांगे क्यों सम्राट का बेटा, निष्ठा हो तो गिरी के शिखर पर चढ़ जाओ तो वहां समय पर खाना मिल जाए। निष्ठा की बात है, देना ही पड़ता है उसको, कहां जाए। न था दांत वाकू दिया दूध मां को, बच्चे को दांत नहीं था तो बालक के लिए माँ के अंग में दूध का सर्जन कर दिया। न था दांत वाकू तो दिया दूध माँ को, क्योंकि खबर है खुदा को, सबर जो रखेगा तेरा ढूंढ सीना और मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा, मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टांक मारा न तारा तरेगा। तो ही नाम तारण, एक नाम का आधार रखो तो मांगे क्यों विश्वास। कहीं हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, वरना कहीं भी चले जाइए गाढ़ जंगल में, एक दिन दो दिन तीन दिन, बाकी समय पर रोटी आ ही जाएगी, क्योंकि उसका उसका फर्ज है। हम कभी कभी कहा करते, मैं विदेश जा रहा था अफ्रीका, तो बीच में इथोपिया में एडिसा बाबा उसका पाटनगर, वहां हमारा प्लेन उतरा तो उससे पहले कुछ घंटों पहले वहां लश्करी शासन डिक्लेयर हो गया और हमारे प्लेन को सैनिकों ने घेर लिया। और दूसरे तीसरे दिन कुछ नैरोबी में कथा करनी थी तो सबको उतार लिया मुसाफिरों को, और कहा कि ये प्लेन हवाई जहां जब जाएगा नहीं, यहाँ लश्करी शासन जाहिर हो गया और तुम सब मुसाफिरों को यहाँ एक होटल में रख दिया जाएगा। तो हम सबको होटल में ले गए, तो जिसके पास जितने पैसे थे, तो हमारे पास भी कुछ 10-15 पाउंड थे जो एयरपोर्ट से दिया जाता है मुसाफरी के लिए, वो उन्होंने ले लिया। हम गए तो होटल का नाम था रास, उसमें हमको उतरा ठहराया और चारों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त, लश्कर आर्मी चल रही है चारों ओर, कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर हमको तो वहाँ रख दिए। और खाने का क्या करें, वहाँ तो कुछ खा नहीं सके हम। हमारे साथ एक दो भाई थे, वो कहे कि बापू आप ना खाओ तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आपकी डिश हमको दे देना। मैंने कहा ठीक है, समय पर आ जाना और ले जाना। तो मेरी डिश वो खा लेता था, हम तो केवल चाय पिया करते थे। 3 दिन हम रहे वहाँ तो हम सोचने लगे कि हम करें क्या, ये हमारा अनुभव है। तो 3 दिन के बाद ये होटल के द्वार पर हम खड़े थे ऐसे ही, आगे तो जाना मना थे। इतने में एक कार निकली तो उसने ये मेरी काली शाल देख ली और कार रुकी, मुझे कहा कि आप मुरारी बापू हैं। मैंने कहा हाँ। बोले हमने आपकी कैसेट सुनी है, आप हमारे घर प्रसाद लेने आओगे। मैंने कहा, पहले तो जरा कहा कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको कहाँ कष्ट दें, लेकिन भीतर तो 3 दिन की बात थी, लेकिन जरा विवेक ही तो करना पड़े। बोले नहीं नहीं हम कितना आपको वो कैसेट सुनते हैं, आप हमारे घर आओ। फिर हमने कहा कि आपका भाव है तो चलो। हम ये कहते हैं कि भगवान कभी न कभी कहीं न कहीं से देता ही है, मांगने से हम अपना पद निम्न किए जा रहे हैं। तो विश्वामित्र को मांगना पड़े, ये कैसी बात, हमारे देश के ऋषि मांगता नहीं। और उसका सर्वोत्तम दृष्टांत सौराष्ट्र का सुदामा, क्या अयाचक ब्राह्मण था श्री कृष्ण सखा, हाँ? इतने दिनों के उपवास हो जाए बच्चों को, अपने कथा तो सुनी होगी, घर में सर्दी के दिनों में बच्चों को रात को उड़ाने के लिए कोई चादर नहीं थी तो सुदामा सजल नेत्र नित्य यज्ञ करता था ना, यज्ञ की भस्म बालक को लगाता है रात को, क्योंकि भस्म लगाने से
सर्दी कुछ कम लगती है तो सब बच्चों को माता पिता भस्म का लेप करते, सो जाओ मेरे बेटे, तुम एक तपस्वी ब्राह्मण की संतान हो, मैं अयाचक व्रत लेकर बैठा हूं। बच्चे भी इतने समझदार अपने बाबा को कहते, बाबा आप चिंता मत करो, हमें भूख नहीं है, लेकिन माँ कैसे सह सके। सुदामा के पैर की सेवा करती सुदामा की धर्म पत्नी कहती, द्वारिका दूर नहीं है, एक बार जाओ कृष्ण के पास, बच्चे की भूख नहीं देखी जाती। देवी, कृष्ण मेरा मित्र है जरूर, लेकिन मैं क्यों मांगू, अपना प्रारब्ध है। बहुत बार कहा लेकिन सुदामा माना नहीं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे एक बार बता रहे थे आप कि आश्रम से जब पढ़ाई पूरी करके भगवान कृष्ण से तुम आप जुदे बिलग हुए, तब आपने और भगवान कृष्ण ने दो कार्य बांट लिया था, आपको याद है? हाँ, क्या? बोले आपने मुझे कहा था कि कृष्ण से मैं बिलग हुआ, तब कृष्ण ने मुझे कहा कि मुझे तीन काम करना है, उन्मत्त सत्ता वो करनी है, धर्म का संस्थापन करना है, लोगों में संस्कार और संस्कृति की बातें को जागृत करो। याद है आपको? हाँ। पत्नी बड़ी सुशील थी, सोचा कि ये मांगने नहीं जाएंगे, इसलिए ये बहाना बनाया कि भगवान कृष्ण ने आपको गांव गांव जाकर संस्कृति का प्रचार करने का कहा था, तो कम से कम मांगने न जाओ, चलो लेकिन रिपोर्ट देने के लिए तो जाओ कि काम कितना हुआ है, आज तक कितना काम हुआ, वो कम से कम खबर देने के लिए तो जाओ। ये बात मगज में बैठ गई, चलो जाओ, इस मिस कृष्ण को मिलना हो जाएगा। लेकिन जब सुदाम तैयार होता है, बड़ी मधुर कथा, देवी को कहा कि मैं बड़ा हूं, कृष्ण छोटा है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मुझे कुछ दो। देखिए इस देश की संस्कृति, ब्राह्मणों के घर जाकर उधार चावल या कुछ ले आई, फटे कपड़े को ठीक करके उसमें बांध कर पोटली सुदाम को दे दी, जाओ। फटी धोती, कुश शरीर, हाथ में लकड़ी, क्या तेजस्वी ब्राह्मण था सुदाम। निकला पैदल, बच्चों को कहा मैं जल्दी आऊंगा, बच्चे रोने लगे, बाबा जल्दी आना। पदयात्रा करता गया द्वारिका, लेकिन ऐसे कंगाल रूप में कौन कृष्ण की हवेली में प्रवेश करने दे, कड़ा पहरा लगा हुआ है। सुदाम आते हैं और सेवकों को कहा कि मुझे भवन में जाने दो। बोले आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का सखा हूं। रक्षक लोग हंसने लगे कि कमाल है, बड़े लोगों के मित्र बहुत निकल उठते, कहां कृष्ण कहां तुम, आप उसके सखे हैं। बोले मजाक मत करो, मैं सच कहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं कृष्ण का मित्र हूं। नेत्र में आंसू आ गए, एक बार कृष्ण के दर्शन करवा, मैं तुम्हारा आभार मंद हो जाऊं। सैनिकों में एक सैनिक कोई जागने की तैयारी में रही आत्मा होगी उसकी, उसने सुदाम की आंख में कुछ तेज देखा कि ये ब्राह्मण कोई और लगता है, आया निकट, योग भ्रष्ट होगा वो। भूदेव, मैं अभी भगवान से कहता हूं, लेकिन जरा आप आपका नाम बताइए, वो पूछेंगे तो मैं कह पाऊं, बस और कुछ मत कहना उसे, केवल इतना कहना कि गोविंद तुम्हारा मित्र सुदाम आया है, बस पर्याप्त। सैनिक
सेवक ऊपर गया है, अष्टपट रानियों से गिरे हैं कृष्ण। क्षमा करें महाराज, अविवेक हो तो क्या बात है। एक विप्र आपको मिलने आया है। कौन? बोले दुबली पतली काया है, हाथ में लकड़ी है, फटी धोती पहनी है, लेकिन आंख में बहुत तेज है। और गोविंद एक बात बताऊं, आपका नाम लेते ही रोने लगता है। नाम पर्याप्त है उसको गदगद बनाने में। कौन है वो? कृष्ण उठ खड़े। कौन है? हमने नाम पूछा ठाकुर, तो कहा भगवान को कहियो तेरा मित्र सुदाम मिलने। सुदाम, सुदाम नाम सुन करके भरत को भेटने के लिए जैसे राम दौड़े, पांच पांच सोपान को नांग करते, अपनी रानियों को एक और फेंक देते, भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, मेरा सुदाम आया। सुदाम ने देखा भगवान आ रहे, गोपाल आ रहा। नीचे आए, सुदाम को बाहों में गिरफ्तार कर लिया। सुदामा की दीन दशा देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, नेत्र जल से सुदाम के चरण प्रक्षालन कर दिए। मानो मेरा मित्र आया, मेरा सखा, चलो ऊपर। सेवक गण देखते रह गए। भगवान के स्वभाव की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में कहा कि परमात्मा का स्वभाव है वो बड़े की बड़ाई मिटाता है और छोटे की छोटाई मिटाता है। यही उसका स्वभाव है, बड़ों की बड़ाई मिटा देना और छोटे की निम्नता को मिटा देना, वही है ठाकुर का स्वभाव। तख के पकड़ा है, जिगरी दोस्त है, ऊपर ले गए। रानिया ने देखा, सब रानिया देख रही। भगवान ने कहा यह मेरा मित्र सुदाम है, आश्रम में मेरी बहुत देखभाल की उसने। रानिया पालों में मुंह छिपाकर हंसने लगी कि कमाल है, कहां से पकड़ लाते हैं, ये मित्र है क्या? और कहे भी क्या, मालिक का निर्णय, क्या करे। अपने आसन पर सुदाम को बिठाकर नीचे बैठकर कृष्ण पूछने लगे, सुदाम बताओ मेरी भाभी कैसी, बच्चे कैसे। जब बच्चे की बात पूछी तब सुदामा की आंख में आंसू, लेकिन समझदार ब्राह्मण ने सोचा कि उसको पता न लगने पाए कि हमारी यह दशा। कहा सब ठीक, बहुत कुशल है, बहुत कुशल है। सुदाम को चिंता हुई कि ये रानियां मेरी मजाक कर रही हैं, कहां ये कनक महल है और उसमें मेरी पत्नी ने जो चावल दिया है वो दूंगा तो मेरी मजाक हो जाएगी। तो दबाने लगा बगल, छिपाने लगा, और कृष्ण का तो स्वभाव है जो छिपाता है उसको पहले पकड़ता। तो पूछा सुदाम, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने की चीज भेजी है। कहा गोपाल जल्दी आना हुआ ना अचानक, इसलिए रह गया, वैसे तो मेरे नाम ले आता। बोले नहीं नहीं, मेरी भाभी ऐसे तुम्हें नहीं भेजती, तेरे बगल में कुछ है बताना क्या है। और भगवान कृष्ण ने जपट की, वो पुराने कपड़े में बंधे तांदूल चावल छूट गए और एक मुट्ठी भरकर कृष्ण जब खाने लगे। साहित्य में कथा आती है कि जब एक मुट्ठी अपने मुंह में डाला ना तो भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सिद्धि और निधियां सुदामापुरी की ओर रवाना हो गए। यात्रा शुरू कर दी उसने सुदामापुरी की ओर। दूसरी मुट्ठी लेकर जब, तो समग्र ऐश्वर्य चलने लगा सुदामा के नगर की ओर। और तीसरी मुट्ठी चावल लेकर जब मुंह में डालने गए तब साक्षात उस लक्ष्मी जी ने, साक्षात श्री ने हाथ पकड़ लिया भगवान का कि महाराज अब ये मुट्ठी खाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तांदूल खाए,
सुदामा को स्नान करवाया। रानियां पानी डाल रही हैं और कृष्ण सुदाम के शरीर को स्नान करा। क्या भक्तों की सेवा की है उसने। पीतांबर पहनाए हैं, सुंदर अलंकार पहनाए सुदाम को और उसकी फटी धोती को धुलवा करके रख दी। सुदामा को तिलक किया और अपनी रानियों को कहा कि ये पवित्र ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण मैंने दुनिया में देखा नहीं, सब प्रणाम करो। रानियां कहती हैं क्या करें, सब रानियों की कतार लगी, सब प्रणाम करती हैं। सुदामा आशीर्वाद देता है, पति प्रिया भव, बोलने लगे बच्चे की माता हो जाओ, पति प्रिया हो जाओ। एक जाए तो दूसरी आए उसको भी आशीर्वाद दे, तीसरी आए तो प्रिया कृष्ण को कहा कि लाइन कितनी लंबी है, मैं कितने को आशीर्वाद दू, थका आया हूँ। और कृष्ण ने कहा कि सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि एक दो को दो और दूसरी को न दो तो मेरे घर में तकरार हो जाएगी, बस बैठो और आशीर्वाद। आती ही रही, अब तो सुदामा बोलना बंद कर दिया, बस आई तो ऐसा ही शुरू किया, क्या करे वो थक गया बेटा। लेकिन कितनी रानियां कृष्ण, कृष्ण ने कहा कि सबको आशीर्वाद देना। सुदाम ने कहा गोपाल में थक गया तो करे क्या। देखिए ब्राह्मण की तेजस्विता, क्या अधिकार से उसने कहा कि कृष्णा ऐसा करो, तुम ये सब रानियों के पति हो ना, हाँ तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, इसलिए सबको आशीर्वाद मिल जाए। जो ब्रह्म को कह सके कि तुम मुझे प्रणाम करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, धन्य है इस तेजस्वी ब्राह्मण की अयाचक वृत्ति को लाख लाख नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने सुदाम को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। भोजन की थाली परोस दी गई, सुवर्ण की थाली में भोजन लग गए। कृष्ण को कहा तुम भी बैठो, बोले नहीं मैं तुम्हें पंखा करूंगा, तुम भोजन करो। और कृष्ण का वो राजभोग आज भी इतना होता है तो उस काल में तो क्या होता हो। और सब चीजें थाली में आई हैं, कौन बाप खा सकेगा जिसके बच्चे इतने दिनों से भूखे। थाली के भोजन की सामग्री को देखते ही आंख में अश्रु आ गए, बच्चे याद आ गए। लेकिन कृष्ण को पता लग जाए तो बात बिगड़ जाए, मानो अंगार अपने मुंह में डाल रहा है ऐसे थोड़ा दिया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीते, सुदाम सोच रहा है कि कृष्ण सब कुछ पूछता है लेकिन ये क्यों नहीं पूछता कि तेरा चल कैसा रहा। कोई बात निकले तो कम से कम बात हो जाए, लेकिन ये तो पूछता ही नहीं, मूल बात तो करता ही नहीं। कृष्ण ने फैसला किया था कि तुम मांगो नहीं तब तक मैं दूंगा नहीं, और सुदाम ने फैसला किया मैं मर जाऊं लेकिन मांगू नहीं। तेरी श्रीमंताई तुम्हें मुबारक। दिन बीते हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे इतने दिन हो गए लेकिन ये धन्य है ब्राह्मण मांगता नहीं। आखिर कसौटी का प्रयोग किया कृष्ण ने, जब सुदाम को जाने की तैयारी हुई, सुदाम ने सोच लिया कि मेरे कंठ में जो गहने पहनाए हैं वो यदि ऐसे के ऐसे रहने दे तो एक गहना बेच डालूंगा तो भी हमारी जीवनी चलेगी। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ती जा रही। जब जाना हुआ तो सेवकों को कहा सुदामा के ये सब आभूषण और वस्त्र ले लो और उसकी जो धोती हो वो पहना दो, रास्ते में कोई लूट जाएगा बेचारा को परेशान कर। सुदाम सोचने लगा कि गुरुदेव के आश्रम में मेरे मुंह से जूठा फल खींच कर तू खा जाता था कि सुदाम मुझे भूख लगी, और आज इतना लोभी हो गया तू। ठीक है, सब उतार दिया, वही धोती पहनी। क्यों ऐसा किया,
बाद में कृष्ण को रुक्मणी ने पूछा, रानियों ने पूछा कि हमको दया आ गई और आप इतने कठोर हो गए। बोले, नहीं, मैंने ठीक किया। क्या, क्यों? कि मेरे वस्त्र अलंकार लेकर जाएगा ना, जाता ना, तो दुनिया आलोचना करती कि मित्र के पास भीख मांग कर आया, मेरे मित्र की बदनामी न हो जाए, उसको अपवाद न मिल जाए कहीं, उसकी अयाचकता को कहीं दाग न लग जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे आया वैसे भेजो, दुनिया का क्या ठिकाना, क्या क्या नहीं बोलेगी। गोमती के तट पर द्वारिकाधीश सुदाम को विदा देने गया है और हद तो तब हो गई जब सुदाम विदा ले रहा, कृष्ण गदगद हो चुके हैं, सुदाम को सर झुकाया, सुदाम तुमने बड़ी कृपा की, सुदामा के नेत्र भर आए। कृष्ण, मैं ब्राह्मण हूं, तुम मुझे बड़ा समझकर नित्य आदर देते हो, एक बात कहूं क्या? गोपाल, तुम्हें इतना बड़ा काम करना है, पूरे धर्म की जागृति करनी है। बोलो सुदाम, क्या कहना चाहते? गोविंद, एक काम करियो, तुम्हारे शरीर का ख्याल करियो, शरीर को संभालना। जब सुदाम ने ये बात कही तब कृष्ण रोने लगे, उसको लगा कि सुदाम नहीं बोल रहा है, नंद बाबा बोल रहा। नंद और यशोदा की याद उमड़ आई, मेरे माता पिता बोल रहे हैं सुदाम के स्वरूप। गोमती नदी में अश्रु बहे, सुदाम की विदा के समय सुदाम जा रहा है, कृष्ण देख रहा है, मेरा सखा जा रहा है। बाद में तो आप सब जानते हैं, सुदाम पहुंचा जब सुदामपुरी, कितनी समृद्धि आ गई, बड़ी हवेली में उसके बच्चे खेल रहे हैं। सुदाम ने आकर देखा तो लगा कि कोई गृहस्थ के घर आज भोजन समारंभ लगता है, ब्रह्म भोजन, और ये मेरे बच्चे भोजन के लिए आए हैं क्या? तब तो बालकों ने पुकारा, पिताजी। सुदाम ने देखा, पत्नी दौड़ाई, सम्मान किया, ये सब। बोले, आप जब यहां से गए ना तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए सब भेजा। कृष्ण ने भेजा? सुदाम इस मकान के खंभे को पकड़कर रो लेता है कि मेरी भूल हो गई, मैंने कृष्ण को लोभी कह दिया। ऐसो को उदार जगमान, बिनु कारण जो द्रवै दिनन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमान। ये है अयाचकता की तेजस्विता, भारतवर्ष का न मांगने का व्रत का ये दिव्य दृष्टांत है। विश्वामित्र मांगे ऐसे ऋषि नहीं है, फिर भी आज कहने लगे, मैं याचन आयु नृप तो ही, और मैं तुम्हारी संपत्ति मांगने नहीं आया, तुम्हारे शस्त्र मांगने नहीं आया, तुम्हारे साधन मांगने नहीं आया, मैं आया हूं मांगने से, बस मुझे इतना दे दो राजन। अनुज समेत देवुरा गुनाथा, निशिचर बध में वो बसनाथा। अनुज समेत, ऋषि मांगता है संतति संपत्ति नहीं। हर्षित होकर
अनुज के साथ रघुनाथ मुझे दे दो, और मुझे मांगने का अधिकार है राजा, क्योंकि ये तुम्हारे चार पुत्र तुम्हारे नहीं है, वो यज्ञ की प्रसादी है, और यज्ञ ने तुम्हें चार पुत्र दिए हैं, तो एक ऋषि के यज्ञ की सुरक्षा के लिए चार में से दो देना वो तुम्हारा कर्तव्य है। ये चार पुत्र वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद का परिणाम है, ऋषि के आशीर्वाद से मिले चार बेटे से ऋषि का काम करने के लिए दो देना तुम्हारी नैतिक फर्ज है, इसलिए दे दो, तुम्हें धर्म सुयश मिलेगा, कल्याण होगा, मेरा काम होगा, दोनों बालकों को दे दो। महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मांगे। कहा कि महाराज आप मेरे पुत्र मांगने जा रहे, आप सोचिए, चौथी अवस्था में चार पुत्र मिले हैं, आप विचार करके नहीं मांगते। आपकी मांग विचार के साथ जुड़ी हुई नहीं है, आप जो मांगे सो मैं दे सकता हूं, देह को प्राण जैसी कोई चीज प्रिय नहीं, मैं प्राण निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं दे पाता, बिल्कुल मना कर दिया महाराज। सब सूत प्रिय मोही प्राण की नानी, राम देव नहीं बननी गोसाई, सब सूत प्रिय मोही पाऊंगा, आप जो मांगो सो दूं। वशिष्ठ जी को चिंता हुई कि मना कर रहे हैं और विश्वामित्र कहीं शाप न दे दे, इसलिए तुरंत में बोल देते हैं महाराज। तब वशिष्ठ बाहु विधि सामु जावा, नृप संदेह नाश करहु कहा कि मैं कहता हूं राम दे दो, और गुरु आज्ञा के आगे तो सवाल ही नहीं उठता, इतने कहने वाले कि मैं प्राण दे सकता हूं राम नहीं दूंगा, लेकिन जब गुरु ने कहा तो तुरंत हाथ छोड़ दिए, कहा राघव मेरे प्राण नाथ सूत तुम मुनि पिता आन नहीं, दोनों भाई को बाबा जी के कहने पर सौंप दिया है, दोनों भाई विश्वामित्र का काम करने के लिए तैयार हैं, रानीवास में जाकर माँ की आशीष लेने गए। संतों से ऐसा सुना है कि उस वक्त सुमित्रा और कैकेयी जरा दुखी हो गए कि आज पहली बार राघव बाहर जा रहा है, और कब आएगा, क्या होगा, क्या पता, माँ का दिल जरा भर आया। लेकिन कौशल्या जी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि कौशल्या जी को वो वृद्ध ब्राह्मण का भविष्यवाणी याद आई,
कि तुम्हारा बेटा कुमार होगा, एक महाराज आएगा और तुम्हारे बेटे को ले जाएगा और एक बहुत सुंदर कन्या के साथ ब्याह कराएगा। तो माँ बहुत राजी है कि भले ही राघव जाए क्योंकि एक सुंदर कन्या से ब्याह कर लौटेगा। पर माँ को ऐसा होता ही है कि बेटे की शादी जल्दी हो, बाद में तो सब चिल्लाती है लेकिन पहले बहुत जल्दी कर देती है कि जल्दी शादी हो जाए। आखिर कौशल्या भी माँ ठहरी तो एकदम आज्ञा दे देती हैं और पुरुष सिंह दौ वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। दोनों भाई बाबा विश्वामित्र जी के साथ ऋषि कार्य के लिए निकलते हैं। बस आज इतना ही, कल सुबह 8:30 पुनः आगे बढ़ेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए रामचंद्र श्री बाल कृष्ण सदगुरु। नमः पार्वती पते हर महादेव। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे